गोवा में दो ही चीज फेमस है मियाँ, अरे ठंडा ला रहे जल्दी। फौजी लोगों के लिए अपने दिल में बहुत रिस्पेक्ट है मियाँ। पर्सनल काम से? पर्सनल काम, मैं भी इधर पर्सनल काम से ही आया था। जो खाना बनाती देख जो बच्चे संभालती। उस्मान भाई ठंडा। खामोशी में टॉप लेवल का शोर सुनाई दे रहा। तुमने कहा था ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है रॉनी। I need your help. पिछले दो महीने में किसी ने मेरी मदद नहीं की है। I'm not selfish, I'm desperate. Actually, I'm sorry. I have to take this call. But what about Shekhar? Shekhar? Sir, मेरे केस का क्या हो रहा है? मैडम मेरे पास आपको देने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये साइन कर लीजिए। What rubbish? नहीं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ए, काफी दुबली हो गई हो आप, तबियत तो ठीक है? मोहिते ते मैडम, ऐसे कैसे आप केस क्लोज कर सकते हो? दो महीने इन्वेस्टिगेशन चली है, मिलता ही नहीं है। यस सर। ए लाइब्रेरी में आए मैडम? फैमिली फ्रेंड। क्या कहानी सुनाई अपने बाप से पैदा करूं क्या एविडेंस? मैडम ऑफिशियली तो हम कुछ नहीं कर सकते। पीछे हट, मैं पिट के जाएगा। अगर आप यहाँ रहेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। कौन है बेतू? जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा मोहम्मद है। ए सुशील उठो, डीआईजी साहब आए। सुन वो रणवीर कपूर, वो रणवीर प्रताप सिंह है। हाँ तो ठीक है, लेके आओ। साठे खोले से लेके आ। पता रणवीर, मेरे बड़े भैया कहा करते थे डॉक्टर नहीं बना। अब हालत ये है कि लोग रात को जगाते हैं। जानता हूँ सर। फिर पुलिस वाले पे हाथ क्यों उठाया? वो अपनी ड्यूटी भूल गया था। सेक्शन 475 CRPC, आप लोग के काम में ऑफिसर को अरेस्ट नहीं कर सकता। इतना मैं जानता हूं। एक सेकंड। अरे भाई ये तुम्हारा जो कमांडो है ये मुझे आर्मी के एक्ट समझा रहा है। क्या करने गया था गोवा? रॉनी कैन यू हियर मी? यस सर। सुबह 7 बजे ऑन बेस। आई वांट अ फुल ब्लडी एक्सप्लेनेशन। वो कहावत सुनी है, एक सड़ा हुआ आम पूरी बेटी को बर्बाद कर देता है। मेरे बड़े भैया कहते थे वंस अ सोल्जर विल ऑलवेज बी अ सोल्जर।